नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में एसपी का करीबी बताकर के गन लाइसेंस बनवाने के नाम पर 20,000 रुपए ठगे। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। एसपी का करीबी बताकर के एक गन लाइसेंस बनवाने के नाम पर 20,000 रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी बोले आरोपी की पहचान गाँव किरडान निवासी महेंद्र के तौर पर हुई है। आरोपी की तलाश की जा रही है, इसके लिए छापेमारी भी हो रही है। शहर में फतेहाबाद के एक शख्स से ऐसे ठगे गए रुपए। फतेहाबाद में एक व्यक्ति द्वारा खुद को एसपी का नज़दीकी बताकर के फतेहाबाद शहर में रहने वाले एक युवक से गन लाइसेंस बनवाने के नाम पर 20,000 रुपए की ठगी की गई, जिसके बाद मामला एसपी आईपीएस राजेश कुमार के नॉलेज में भी आया। उन्होंने तुरंत मामले में कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके बाद फिर सिटी थाना में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस को दी गई शिकायत में फतेहाबाद निवासी युवक दीपेश सोनी, जिन्होंने बताया कि गांव केलढान निवासी महेंद्र नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का नज़दीकी होने की बात कही और गन लाइसेंस बनवाने के नाम पर 20,000 रुपये ठग लिए। वहीं डीएसपी दलजीत बेनीवाल ने बताया है कि इस पूरे मामले में आरोपी महेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है, जिसके लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की है। वहीं डीएसपी ने बताया कि प्राथमिक जानकारी में पता चला है कि ये व्यक्ति इस तरह से कई बार फ्रॉड कर चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगा कि इस तरह की वारदातें कितनी कर चुका है। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की रिपोर्ट के साथ पल पल की एक खास खबर। सर, ये एसपी साहब के नाम पे कोई ठगी का मामला सामने आया 20,000 रुपये की, क्या पूरा मामला है? ये दीपेश सोनी है, सोनू राधे श्याम सोनी, ये फतेहाबाद का। इसने एप्लीकेशन दी है कि महेंद्र गुजर जो किरडान गांव से है, उसने अपने आप को एसपी का नज़दीकी बताया था आपका, कि मैं ये लाइसेंस बनाने का काम भी ये लाइसेंस मैं बना दूंगा, लेकिन उसने इस नाम से उससे पैसे ले लिए हैं और वो इस टाइप के जो है ना अपनी फर्जी हथकंडे करता है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको पकड़ने के लिए हमने 4 टीमें भेजी हुई हैं और जल्दी उसको गिरफ्तार करके ऑर्डर पेश कर दिया। सर, कुछ पता लग पाया कि कभी एसपी से मिला हो, कभी कोई लिंक एसपी साहब से रहा हो? ना, कोई दूसरा लिंक किसी के साथ भी नहीं रहा, वो कभी मेरे से भी नहीं मिला। बस वो इस टाइप के आदमी है ना, कई करते हैं एरिए के अंदर, कोई कंप्लेनेंट तो बन जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो जनता से सब क्या अपील करना चाहोगे इस तरह के लोगों के झांसे में ना? हाँ, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए और इस प्रकार के लोगों से सावधान रहे, दूर रहे। कोई कार्य है तो यहाँ स्वच्छ कार्य होता है, सीधे अफसरों से आगे मिले। तो सर, किस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है? ये सिटी थाने में किया गया दर्ज, और जिसकी जाँच मैं स्वयं कर रहा हूँ। अंडर सेक्शन सर क्या है? अंडर सेक्शन है इसमें पीसी एक्ट, पीसी एक्ट 420 IPC।